तो वडोदराની સયાજીગંજ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપાએ કેયુ રોકડિયા પર પસંદગીની મહોર મારી છે. વડોદરાના મેયર એવા કેયુ રોકડિયા પર પસંદગી ઉતારવામાં આવતા કાર્યકરોમાં ખુશી જોવા મળી. મેયર રોકડિયા અનેક વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા સહિતની અનેક કામગીરી કરી હતી, જેને લઈને પાર્ટી દ્વારા તેમના પર પસંદગીની મહોર મારવામાં આવી. મેયર તરીકેની તેમની સારી કામગીરીના પગલે તેમની પસંદગી થઈ હોવાનું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मोड़ी रात्रि अमदावाद में नारणपुरा भाजप कार्यालय पहुंचा था. नारणपुरा उम्मीदवार जितेंद्र पटेल सहित कार्यकरों साथ शुभेच्छा मुलाकात करी. अमदावाद शहर डेप्यूटी मेयर गीताबेन पटेल सहित मोटी संख्या में कार्यकरों हाजर रहा. अमित शाह तमाम ने चूंटणी लक्षी मार्गदर्शन आपीने जीतनो मंत्र आप्यो हतो. भाजप कांग्रेस में उम्मीदवारों जाहिर थता ज केटलीक बैठकों पर असंतोषनो चरु उकळ्यो छे. कांग्रेस में तो दर वक्त चूंटणी में उम्मीदवारों की पसंदगी ने लईने नाराज कार्यकरों होबाळो थतो होय छे, परंतु भाजप में पण आ वक्त कार्यकरों खुलीने बहार आव्या छे. भाजप में आ वक्त पहली वक्त छूपो रोष बहार आव्यो. हजारों कार्यकरों कमलम ने घेरवानी हिम्मत बतावी, जेने लईने एक तबक्के कमलम दरवाजा बंद कर देवा पड़ा. भाजप प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल डेमेज कंट्रोल में निष्फळ रहा होवानी चर्चाए वेग पकड़ो, तेवामां अमित शाह डेमेज कंट्रोल माटे मैदाने उतर्या छे. टिकीट वहेंचणीना पगले भाजपना कार्यकर्ताओंनी नाराजगीने जोता सोमवारे कमलमना दरवाजा बंद करवानी फरज पड़ी. भाजप द्वारा मोटाभागना उम्मेदवारोना नामों जाहेर करवामां आव्या छे, जो कि केटलीक बैठकों पर विरोधनो सूर जोवा मळ्यो. गांधीनगरना कमलममां बायड अने चाणसमां बैठकना उम्मेदवारोना पगले कार्यकर्ताओ विरोध व्यक्त कर्यो. आवा नाराजगीना कमलमने जोवा मळी हती. बायडथी धवलसिंह झालाने टिकीट फाळवामां आवे तेवी मांग करवामां आवी. भाजपे बायडमां भीखीबेन परमार ने टिकट आपता धवलसिंह ठाकुर ना समर्थकों भारे नाराजगी व्यक्त करी. भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जाहिर करो छे, तेनाथी आखू मालपुर बाहर दुखी छे, संगठन ना होद्देदारो दुखी छे, कार्यकर्ताओ दुखी छे. अमे अमारा मोदी साहेब ने, अमे अमारा नरेंद्र मोदी साहेब ने, अमे अमारा अमित शाह ने, अमे अमारी पार्टी साथे आशा राखीए के जे જે ધારાસભ્ય ધવલસિંહ ઝાલા સાહેબ અઢી વર્ષથી લોકોના હિત માટે તમે માલપુરમાં તપાસ કરો, બાયડમાં તપાસ કરો, જનતા માટે જે દોડે છે, જેણે મહેનત કરી છે, એને ટિકિટ આપવામાં આવે તો માલપુર બાયડનું કમળ અમારે જીતાડીને આ કમલમના ચરણોમાં આપવું છે.